सुरेश जी हैं, विशेष विशेष मतलब आप तेजस्वी यादव, विशेष क्या है, क्या हमारे नेता हैं, हम लोग तो ये शिष्टाचार मुलाकात होते रहती है। क्या अभी आंदोलन में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं? आंदोलन तो जब हमारे नेता हैं उसकी अगुवाई कर रहे हैं, हम लोग पीछे कहाँ हैं? प्रशासन ने रोक दिया है उनको आंदोलन करने से, उसका कोई ये लगातार ये लोग ये रोक के है ना, रुकवा के और अखबार टीवी में बने रहना चाहते हैं उसी के लिए करते हैं। लेकिन अब इस देश के किसान लोग रुकने वाला नहीं है, और ख़ास करके बिहार के किसान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से सड़क पर उतरने वाला है। ठीक, सर आज धरना है, जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में रोक लगा दिया है कि आप लोग वहां पर धरना नहीं दीजिएगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, जानकारी मिली है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि मोहन भागवत जी आरएसएस के लोगों की बैठक पटना में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है मैंने देश के किसानों का सवाल है जिस पर 70% आबादी खेती पर निर्भर है, और इस मौसम में मैंने इस क्रूर मौसम में मैंने लाखों किसान जो है दिल्ली के इर्द गिर्द जो है बैठे हुए हैं इस ठंड में, और कई दिनों से आज 9वां-10वां दिन हो गया, और इसके बारे में विचार करने के लिए उनका समर्थन करने के लिए हम लोग जो है गांधी जी के मूर्ति के पास नहीं पहुंच सकते। ये मैंने हमको अफसोस है कि नीतीश जी किसी ज़माने में हमारे मित्र हुआ करते थे, और गांधी का उपदेश जो है 7 उपदेश जो है लिखवा लिखवा के चारों तरफ भर रहे हैं, तो गांधी जी का एक उपदेश ये भी है कि सिद्धांतहीन राजनीति जो है पाप है। तो अब याद करें नीतीश जी ने बिहार के विधानसभा में या 2014 के चुनाव में या 2015 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, और आज वो क्या कर रहे हैं।